हेलो क्लास 11, आज की क्लास में कुछ डायमेंशन फॉर्मूले जो बहुत वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं, आज हम उनको सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट आपका जो आता है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल किसे बोलते हैं बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला होता है F=g(m1m2)r². यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? F तो फोर्स होता है, कोई सा भी फोर्स हो उसकी यूनिट तो पहले निकलवा चुके हैं, लेकिन मेन अपन को निकालना है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। तो इसका फॉर्मूला जो निकालेंगे, R को इधर ले जाएंगे और m1 m2 को नीचे, तो F r² / m1 m2 और यहाँ पर आएगा कैपिटल। ठीक बेटा, ध्यान से समझिएगा इस चीज़। अब आप क्या करने वाले हैं इसमें कि हमें डायमेंशन किसकी निकालनी है? कैपिटल जी की निकालनी है डायमेंशन। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो कितनी होती है? m(l)t^-k)2, ये आपको निकलवा चुके। कोई भी डिस्टेंस है तो उसकी यूनिट क्या होती है बेटा? l, और उसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो हमें यहाँ क्या लगा देंगे? स्क्वायर / मास। एक बार हो चाहे दो बार हो, सबकी यूनिट सबकी डायमेंशन कितनी बताई थी? मास को किससे रिप्रेजेंट करा जाता है इन डायमेंशन में? कैपिटल एम से। l^1 और l^2, तो एक बार m लिख देना, l1 और l2 कितनी हो जाएंगे? l3, और t^-2 डिवाइडेड बाय m कितना हो जाएगा? m^2। ठीक है, अब जब भी पावर वाला नंबर ऊपर या नीचे जाता है तो उसके साइन जो है चेंज हो जाते हैं। l^3, t^-2 और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? m^-1। ठीक, बेस सेम पावर एड, तो m कितना हो जाएगा? 0। l^3 2 था, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 2 में से 1 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1 l^3 और t^-1। तो इस जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसकी डायमेंशन कितनी आ गई? m^-1, l^3 और t^-2। यहाँ m² था, ऊपर जाएगा तो m^-2 हो जाएगी, ये -2 है, और यहाँ पर जो m^ कितनी लगी है बेटा? 1। यहाँ पर m^ कितनी लगी है? 1। तो -2 में से 1 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा? -1 नहीं बचेगा, तो m^-1, l^3 और t^-2। ठीक है, ये किसकी हुई? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हो गई। ठीक, आगे चलते हैं अपन लोग। सेकंड जो है आपकी वो है बेटा आवेग। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इम्पल्स। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ऐड होती है। इम्पल्स का फॉर्मूला कितना होता है? बल इनटू समय। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। तो आवेग को आई से फोर्स जी, क्या हो गया? फोर्स। समय कितना हो गया बेटा? टाइम। इम्पल्स = फोर्स इनटू टाइम। अब डायमेंशन निकालनी है बेटा हमें किसकी? इम्पल्स की। तो फोर्स की अभी हमें मालूम पड़ी m(l)t^-2, तो यहाँ पर हम पुट अप कर देंगे m(l)t^-2, और टाइम कितना हो गया? t^1। तो इम्पल्स = डायमेंशन ऑफ इम्पल्स, बेस सेम पावर है, तो m(l)t^-k। ठीक है, नेक्स्ट आपकी जो थर्ड हेडिंग जो आती है बेटा वो है विकृति। विकृति का मतलब होता है कि जब हम किसी बॉडी को उसकी लेंथ ब्रेथ या हाइट में कुछ चेंजेस लाते हैं तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यानी उसकी मेजरमेंट में कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो अगर हम
उसकी मेजरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें अगर इनिशियल मेजरमेंट का डिवाइड दे दें तो उसे ही बोलते हैं बेटा विकृति, इसे बोलते हैं स्ट्रेन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माप में परिवर्तन अपॉन का साइन प्रारंभिक माप। यानी फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन मेजरमेंट, अपॉन इनिशियल मेजरमेंट, ठीक है। तो मतलब है तो दोनों मेजर ही, इसकी भी कितनी हो जाएगी अगर इसकी डायमेंशन अगर हम बनाएं कि स्ट्रेन की जो मतलब डायमेंशन फॉर्मूला होता है, बीमी सूत्र जो होता है, अगर स्ट्रेन का बनाएं तो चेंज इन मेजरमेंट यानी मेजर मतलब लेंथ, तो इसकी भी एल होगी और इसकी भी कितनी होगी बेटा? एल, ठीक। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो बेटा कितनी हो जाएगी? एल की पावर 1 था और यहाँ पर एल की पावर माइनस 1 हो गया, तो कितना हो गया? एल की पावर 0। अब आपको उस दिन भी बता दिया था कि जितनी भी यूनिट्स वगैरह होती हैं उसे एम एल टी के टर्म्स में लिखा जाता है, तो लिखिए जरा उसे। एम हैनिंग है तो 0, एल हैनिंग है तो 0, टी की पावर कितनी आ गई? तो ये जो है डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसी राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनकी कोई बीमा नहीं होती वो बीमाहीन राशियाँ कहलाती हैं। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी कोई भी डायमेंशन नहीं निकलती, जैसे स्ट्रेन है, वो जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती, ठीक बेटा। तो नेक्स्ट आपकी जो आती है, कुछ इम्पोर्टेंट है, केवल वही कराई जा रही हैं आपको। फ़ोटो हमने शेयर कर दी थी, नोट्स वगैरह उसके शेयर कर दिए थे, 50 थे उसमें, ठीक है। लेकिन उसमें से भी बहुत कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो आपके आगे बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह में, 12th के बोर्ड एग्ज़ाम वगैरह या 11th में जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं।